पर दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ ट्रैक्टर परेड करेंगे। आधिकारिक गणतंत्र दिवस समारोह में कोई व्यवधान पैदा नहीं होगा। देखिए, ये किसानों का बड़ापन है और हम कहें कि उन्होंने बहुत सूझबूझ से काम लिया है और उन्होंने जो बात कही है कि जो सरकारी जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में कहीं कोई वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आउटर रोड पे वो अपने ट्रैक्टर के ज़रिए पैरेड करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इसमें तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा सर ये है कि का जो चला फर्स्ट ट्रायल उस पर कांग्रेस के कुछ ऑब्जेक्शन थे। आज अमित शाह जी ने कहा कि वैक्सीनेशन पर कांग्रेस बिना मतलब का विरोध कर रहे हैं, विरोध करने के अलावा कांग्रेस कुछ कर भी नहीं सकते और जो प्रयास करने वाले लोग हैं उसको भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आप टीकाकरण करवाइए जबकि जब भी आपकी बारी आए और भारत सबसे पहला और मजबूत देश होगा जो कोरोना मुक्त हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया है। ये ज़रूर है कि कई जगहों से ये सवाल उठा है कि उसकी विशिष्टता बिल्कुल तय हो जानी चाहिए, किसी तरह का कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए और इसी के लिए एक सुझाव यही आया था कि कई राष्ट्र ने इसके ताकि लोगों को विश्वास हो, यकीन हो, तो राष्ट्र प्रमुख सबसे पहले आगे आए और उन्होंने वैक्सीन लगवाया ताकि जो वहाँ की जनता है, वहाँ के लोग हैं, उनको इस बात का विश्वास हो। तो ये सुझाव यहाँ भी लोगों ने रखा था, लेकिन जहाँ तक के वैक्सीन का सवाल है, वो हम लोग ये मान कर चलते हैं कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे साइंसदान जिन्होंने मेहनत करके उसको बनाया है, तो यकीनन उस पर विश्वास किया जाना चाहिए। एक मुद्दा काफ़ी टाइम से जिला नाम संभाजी नगर करने का है, आप सहयोगी पार्टी हैं सरकार में, शिवसेना ने कहा कि मुख्यमंत्री तो उसी नाम से बोलते हैं, ये लोगों की भावना का सवाल है, निर्णय लिया जा चुका है, लेकिन ठीक है हम चर्चा कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी से इस पर। देखिए, ये इस तरह के विवादित कोई भी मामला हो तो इसी के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है। जहाँ भी संविद सरकार होती है, गठबंधन की सरकार होती है, वहाँ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाती है और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में इस तरह के जितने भी विवादित मामले होते हैं उसमें लाए जाते हैं और अगर उसमें आम सहमति हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती। मेरा ख्याल है कि इस मामले को भी कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठकर इसका कोई समाधान होना चाहिए। आजकल बिहार बढ़ने को लेकर काफ़ी चर्चा में है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं नीतीश जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप जनता की बलिदान ना दें। किसी हद तक तो उन्होंने सही कहा है कि जब से ये चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद चौथी बार नीतीश कुमार जी बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बने हैं, तब से कानून व्यवस्था तो लगता है कि बिल्कुल चरमरा सी गई है। प्रशासन पर लोगों का विश्वास उठ गया है, पुलिस कोई लगता है कि पुलिस से जो हमारे यहाँ है वो एक तरह से निष्क्रिय हो गई है या उसको इस बात का डर और खौफ ख़त्म हो गया है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है। तो जो तेजस्वी जी ने कहा है बिल्कुल हद तक सही कहा है कि नीतीश जी को कुर्सी के बदले प्रदेश के हालात को देखना चाहिए। एक सवाल सर है, अंतिम दौर की बातचीत होनी है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान कानून वापसी की जिद छोड़े और सरकार सभी कमी को दूर करने को तैयार है। क्या फिर हो सकता है बीच का रास्ता, क्योंकि अमित शाह जी ने कहा कि भाई ये कानून तो ऐसा है जो किसानों की आय कई गुना बढ़ा सकता है, फिर अगले दौर की बातचीत में क्या निकलने वाला है? देखिए, ये जिसको कहते हैं कि ज़बरदस्ती हठधर्मी है ये सरकार की कि हम बहुमत में हैं, हम सत्ता में हैं, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। लोकतंत्र का चलाने का ये तरीका नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है कि जिस समुदाय के लिए आप कोई कानून बना रहे हैं, अगर वो उसका विरोध कर रहा है, अगर वो उसको इस पर विश्वास नहीं है, तो उस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, आज तक जितने भी इन्होंने कदम उठाए हैं वो कभी उन्होंने उस समुदाय को विश्वास में लेने का काम नहीं किया है।